चैप्टर 11 काल। हमने काल के भेद को पढ़ा था, यानी परिभाषा भी पढ़ी थी इसकी। आज भूतकाल के भेद, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा क्या है? सामान्य भूतकाल। सेकंड नंबर आसन्न भूतकाल। थर्ड नंबर पूर्ण भूतकाल। फोर्थ नंबर अपूर्ण भूतकाल एंड फाइव नंबर संदिग्ध भूतकाल और सिक्स नंबर हेतुमत भूत। ओके, अब देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है। जहां भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए वहां सामान्य भूतकाल होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे विशाल ने लेख लिखा, तो विशाल क्या कर रहा है? क्रिया लिखना, तो क्या हो गया? लिखा, क्रिया हो रही है। क्रिया का सामान्य रूप पाया जा रहा है, लेख लिख रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा सामान्य रूप इसमें पाया जाए, ये हमारा सामान्य रूप का होता है। वैसे सेकंड नंबर सीमा विद्यालय, ये भी कर्म कर रही है, वो गई है, तो इसमें भी सामान्य रूप पाया जा रहा है। थर्ड नंबर बालक भी आम आए, ये भी क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद वो सामान्य रूप में पाया जा रहा है, तो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। ओके, अब देखते हैं हम, ये तो हो गया हमारा क्या हो, सामान्य भूतकाल। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमारा क्या था? आसन्न भूतकाल। इसको देखते हैं, जहां क्रिया के रूप में लगे कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ, समाप्त हुआ तो वहां क्या होगा? होता है जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, जहां क्रिया के रूप में लगे की कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है वहां आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मम्मी जी जा चुकी है, वो अभी जा चुकी है, वो तुरंत अभी समाप्त हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल आ रहा है। जैसे माता जी सो चुकी हैं, सो गई है। यस, इसमें भी ये जैसे कह रहे हैं माता जी सो गई हैं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये सोई है, ये काम समाप्त हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? वहां आसन्न भूतकाल होता है। उसने पत्र लिखा, लिखा है,
भूतकाल में ही मेरी संपन्न हो गया है, गया था वह पूर्ण भूत काल होता है। जैसे विपुल विपुल कल गया था, तो ये क्या बता रहा है?